अगली बात है कि मनोविज्ञान का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है, खेल में होता है, उद्योग में होता है, स्वास्थ्य में होता है, फिल्मों में होता है, मीडिया में होता है, विविध विविध क्षेत्र है जिनमें कि हम मनोविज्ञान का उपयोग। खेल में हम कैसे मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं? खेल में मनोविज्ञान का उपयोग, जैसे मान लीजिए खेल में आपका एक एटीट्यूड का लेवल जो है वह प्रॉपर करने के लिए हम मनोविज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। आपकी मेंटल अवेयरनेस, आपकी मेंटल कैपेसिटीज, आपकी कॉम्पिटेंस का लेवल बढ़े, उसको लेकर के बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनका हम अध्ययन उनका एनहेंसमेंट हम कैसे करें वह मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय। मीडिया में हम जो भी बात कह रहे हैं उसका क्या प्रभाव हो रहा है, ठीक है, या अमुक तरह का प्रभाव हम उत्पन्न करना चाहते हैं तो वह मानसिक प्रभाव हम कैसे उत्पन्न करें। एटीट्यूड्स हैं, कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत सारे ये जो विषय है, परसेप्शन है, ये सारे मीडिया के विषय जो मनोविज्ञान में हम समझते हैं। जैसे कि आपका जो परसेप्शन है मीडिया के द्वारा कैसे चेंज होता है, मीडिया कैसे उसको इन्फ्लुएंस करता है ना, या मीडिया में जो एक पर्टिकुलर तरह का परसेप्शन है वह आपके परसेप्शन पर कैसे प्रभाव डालता है, कैसे मीडिया कुछ विशेष तरह के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसके कम्युनिकेशन पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे वो विशेष तरह की बात आप तक विशेष तरीके से पहुंचाता है कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आपका परचेजिंग बिहेवियर एक विशेष तरीके से हो जाता है, एक विशेष तरह के ब्रांड्स की चीज़ें ज़्यादा खरीदने लगते हैं, क्या कैसे। ऐसे ही उद्योग में होते हैं, उद्योग में परफॉर्मेंस हम कैसे, कोई भी फैक्ट्री है ना, और फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, हम मजदूर हैं, वहाँ मैनेजर हैं, हम मजदूर और मैनेजर के बीच में कभी ना कभी स्ट्रेस भी होगा, तनाव भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। अब उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कैसे नेगोशिएट करें, कैसे रिजॉल्व करें, स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया, कैसे उसको खत्म करें, कैसे उनका मोटिवेशन बढ़ाएं कि वह और अधिक काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोई फैक्ट्री प्रोड्यूस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन उसमें हो, ठीक है, एक ही बात होगी। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लीडरशिप है किसी भी उद्योग में, लीडरशिप कैसे, जो भी मैनेजर्स हैं वो लीडरशिप कैसे करें, है ना, अपनी जो इम्प्लॉइज हैं उनका इनरिचमेंट और ज्यादा वो बेहतर, उनके अंदर स्किल्स कॉम्पिटेंस और ज्यादा क्षमता कैसे देती है, इस बात को उपयोग। हम इसमें चले फिल्मों में हम मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर तरह का मैसेज देना चाहते हैं, पर्टिकुलर तरह की रियलिटी दिखाना चाहते हैं, उस रियलिटी को किस कॉन्टेक्स्ट में दिखाएं कि वह रियलिटी जैसे कन्वे हम करना चाहते हैं वैसे ही कन्वे कर सकते हैं, हम सक्षम हो सकते रियलिटी का समझ रहे ना, कि कैसे जो हम यथार्थ दिखाना चाहते हैं कि यह ग्रामीण यथार्थ है, यह आज का यथार्थ, यह कल का यथार्थ था। जैसे व्योम केस बख्शी जो फिल्म बन रही है वो क्या अच्छा, तो व्योम केस बख्शी उसका ऐसे फिल्म, उसका जो सेटअप है, पूरा बैकग्राउंड है, वो कैसे विशेष तरह का बनाया जा रहा है ना, और वो विशेष तरह का बैकग्राउंड बना करके तभी जो उसमें कैरेक्टर्स हैं और वो कैरेक्टर्स जो बात कर रहे हैं उस बैकग्राउंड में और उन कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस में, एक्शंस में वह वही बात कन्वे हो, उनमें एक तरह की कॉन्ग्रुएंसी हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह बात कुछ और कह रहे हैं और आज के समय में सेटअप कुछ और है और वो पूरा बैकग्राउंड कुछ और लगे, वो कुछ और रहे हैं, मैसेज कुछ और जा रहा है, तो फिल्मों में हम उसका उपयोग। ऐसे ही हम बात करें ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बात आप कन्वे करना चाहते हैं क्या वही कन्वे कर पा रहे हैं, है ना, जो मीनिंग्स आपके पास में है, जो अर्थ आपने सजो रखे हैं, जो अर्थ आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं क्या आप वही पहुंचा पा रहे हैं।
उसके पहुंचाने में आपके लैंग्वेज के उपयोग में क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, क्या क्या इनेबलर्स हो सकते हैं। बैरियर्स का मतलब समझ रहे हैं ना, बैरियर्स का मतलब कौन कौन से अवरोध हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे ऐसे कुछ विशेष तरह के क्षमताएं हो सकती हैं, योग्यताएं हो सकती हैं कि विशेष तरह से लैंग्वेज को आप यूज करें तो विशेष तरह की बात ट्रांसलेशन जब आप कर रहे हैं तो उनको कैसे इसको लेकर के लैंग्वेज एंड थॉट, हालांकि बहुत जबरदस्त कार्य हुआ है लैंग्वेज एंड थॉट में। अब यहाँ पर हम बहुत सारी बातों को नहीं पढ़ पाए हैं, बहुत थोड़ा समय लगा है, उसके वजह से 17, 18 या 20 क्लासेस नहीं हुई थी, 20 क्लासेस में हमने पूरी कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका इसको कवर कवर कर दिए, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान का उपयोग, ये बात समझ में आई, इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप बहुत और काफ़ी डिटेल में हम जा सकते हैं। ठीक है, आपको एक इनपुट बैरियर समझ मतलब समझ रहे हैं ना, बैरियर्स का मतलब कौन कौन से अवरोध हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे ऐसे कुछ विशेष तरह के क्षमताएं हो सकती हैं, योग्यताएं हो सकती हैं कि विशेष तरीके से लैंग्वेज को आप यूज करें तो विशेष तरह की बात ट्रांसलेशन जब आप कर रहे हैं तो उनको कैसे इसको लेकर के लैंग्वेज एंड थॉट, हालांकि बहुत जबरदस्त कार्य हुआ है लैंग्वेज एंड थॉट में। अब यहाँ पर हम बहुत सारी बातों को नहीं पढ़ पाए हैं, बहुत थोड़ा समय लगा है, उसके वजह से 17, 18 या 20 क्लासेस में हुई थी, 20 क्लासेस में हमने पूरी कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका इसको कवर कवर कर दिए, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान का उपयोग, योग्यता है सकती कि विशेष तरीके से लैंग्वेज को आप यूज करें तो विशेष तरह की बात ट्रांसलेशन जब आप कर रहे हैं तो उनको कैसे कौन सी बातों को ध्यान रखें, इसको लेकर के लैंग्वेज एंड थॉट, हालांकि बहुत जबरदस्त कार्य हुआ है लैंग्वेज एंड थॉट में। अब यहाँ पर हम बहुत सारी बातों को नहीं पढ़ पाए हैं, बहुत थोड़ा समय लगा है, उसके वजह से 17, 18 या 20 क्लासेस में हुई थी, 20 क्लासेस में तो इस तरीके से हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान का उपयोग, ये बात समझ में आ गई, इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप बहुत और काफी डिटेल में हम जा सकते हैं। ठीक है, आपको एक इनपुट थोड़ा सा आपको मिल गया। अगली बात ये है कि जो मनोविज्ञान के